बात अगर दुनिया की आधी आबादी की हो तो वह बात नारी शक्ति की होती है, और नारी जगत जो है वो हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रहा है। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि अगर शिक्षा की बात हो या घर संभालने की बात हो, कहीं पर भी नारी पीछे नहीं है। और इसी के साथ साथ अगर हम खेल जगत की बात करें तो खेल जगत में भी नारी आज अपना नाम और अपना परचम फहरा रही है। नमस्कार, मैं हूँ भावना व्यास और आप देख रहे हैं पल पल राजस्थान। और आज इसी कड़ी में हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो उम्र में तो बहुत छोटी हैं, लेकिन उन्होंने बड़े बड़े मेडल्स अपने नाम किए हैं, और उन मेडल के द्वारा उन्होंने अपना नाम समाज में और राज्य में ऊंचा किया है, जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल में कई सारे मेडल्स प्राप्त किए हैं। तो आइए आपको मिलवाते हैं हम छोटी सी उम्र 12वीं क्लास में पढ़ने वाली श्रेया सिंह से। श्रेया, पलपल राजस्थान में आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद आपका, आप मुझे यहाँ पे बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। श्रेया, अभी आप बहुत छाए हुए हो न्यूज़पेपर्स में सब जगह, तो सबसे पहले हमारे व्यूवर्स को ये बताओ कि आप कौन से खेल से जुड़े हुए हो जिसमें आपने इतने मेडल्स लिए हैं। मैं एथलेटिक्स में शॉट पुट, डिस्कस और हैमर करती हूँ, और मैं पावर लिफ्टिंग में भी जाती हूँ। अच्छा। खेलने मेरा गेम पावर लिफ्टिंग और एथलेटिक्स है। तो अभी रिसेंटली तो मुझे, मैं अभी शॉट पुट गई थी सीबीएसई टूर्नामेंट में, सीबीएसई नेशनल जो हुए थे वाराणसी में, मैं वहाँ गई थी अपने लेटेस्ट मेरे टूर्नामेंट में, और वहाँ मेरी थर्ड पोजिशन लगी थी। और उदयपुर से बहुत सालों के बाद शॉट पुट में किसी का मेडल लगा है, और मैं अपने स्कूल को रिप्रेजेंट किया वहाँ जाके, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और वहाँ बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आए थे, शॉर्ट पुट में ही 45 कॉम्पिटिटर्स थे हमारे, हर स्टेट से लगभग 2 कॉम्पिटिटर्स आए हुए ही थे। तो कंपटीशन भी अच्छा था, ऐसा नहीं था कि इजी गोइंग हो गया, तो उसमें मुझे थोड़ा मज़ा आया खेलने में नेशनल में। और उससे पहले तो मेरा अभी, जैसे मैं वाराणसी गई, उससे पहले मेरा औरंगाबाद में पावर लिफ्टिंग का ओपन टूर्नामेंट था, तो उसमें मेरा 1 गोल्ड और 1 सिल्वर लगा है। अच्छा जी, अच्छा, तो पलपल राजस्थान इसके लिए आपको सबसे पहले बहुत सारी बधाई देता है। लेकिन एज अ फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन, ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग रहता है कि फीमेल जो होती है उसको फिजिकल चैलेंजेस भी बहुत होते हैं, और चूंकि आपकी एज ऐसी है कि आप बोर्ड्स में भी हैं, तो स्टडीज़ में भी काफ़ी सारे हर्डल्स आते हैं इसके कारण, स्पोर्ट्स में टाइम देने के कारण। तो श्रेया, हम ये सब आपसे जानना चाहते हैं, ताकि आपसे सुनने के बाद जो हमारी उदयपुर की, राजस्थान की, हमारे देश की जो स्पोर्ट्स पर्सन है, जो एथलेटिक्स में है, जो आपके पावर लिफ्टिंग में आपके गेम में, उनको आपसे कुछ सीखने को मिले और जानने को मिले। तो श्रेया, हम आपकी ये जो जर्नी है, कैसे आप अपनी नॉर्मल लाइफ से आप एक इतने सक्सेसफुल स्पोर्ट्स पर्सन बने, स्पोर्ट्स वुमेन बने हैं, ये आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आपने कब ये स्टार्ट किया, कैसे ये स्टार्ट हुआ और यहाँ तक आप कैसे पहुँचे। मैंने जैसे एथलेटिक्स जो था टूर्नामेंट जो मैंने करा अपने कोरोना से पहले, तो क्या हुआ था कि मेरा, मैं शॉर्ट पुट में डिस्ट्रिक्ट में ऐसे ही चली गई थी, क्योंकि मेरे स्कूल वालों ने कहा था कि एक बार पार्टिसिपेट कर लो, तो मुझे एक लड़की ने कहा कि हमारे तो कोई पोजीशन लगने ही नहीं वाली है शॉर्ट पुट में, क्योंकि बहुत एडवांस बच्चे आते हैं और मेरी कोई पोजीशन नहीं लगने वाली। और लकीली मेरा ब्रोंज लग गया था पहले टूर्नामेंट में डिस्ट्रिक्ट में, तो ऐसा मुझे हुआ कि अगले साल तो गोल्ड लगाना ही है। और फिर अनफॉर्चुनेटली कोरोना हो गया, पर प्रैक्टिस तो मेरी चलती रही पूरे साल। और फिर जब कोरोना हटा, तब मैंने जब टूर्नामेंट शुरू करे, तब मैं फिर नेशनल लेवल तक पहुंच गई थी। अच्छा। और फिर ये जर्नी भी इजी नहीं थी, जैसे मेरे इंजरीज भी बहुत हुई, ऐसा नहीं था कि मेरे इंजरीज कम नहीं हुई। और जैसे हम टूर्नामेंट में जाते हैं और उसमें जैसे फैसिलिटीज़ वो लोग थोड़ी कम प्रोवाइड करते हैं, जैसे वॉशरूम की फैसिलिटीज़ कई जगहों पे होती नहीं है, तो मैं अपने फादर, मेरे साथ हर जगह जाते हैं मोस्टली हर टूर्नामेंट में, तो मेरे फादर मुझे लेके जाते हैं। पर दूसरों बच्चों को थोड़ा मुश्किल होती है वहाँ उस टाइम पीरियड में, क्योंकि गर्ल्स हर जगह वॉशरूम जा नहीं सकते हैं, सबको पता है। तो उन, तो वो कुछ स्ट्रगल तो नॉर्मल स्ट्रगल थे वो, और इंजरी के स्ट्रगल तो हर एथलीट को होते हैं, पावर लिफ्टिंग को होते ही हैं। तो पावर लिफ्टिंग में जैसे आप एक ड्रेस होती है इक्विप्ड पावर लिफ्टिंग, तो उसमें जब आपको ड्रेस पहनाते हैं, तब हाथ पे और पाँव पे इतने छिल जाते हैं, क्योंकि वो ड्रेस इतनी टाइट होती है कि जब मैं पहनती हूँ
तो वो इतनी टाइट होती है कि जब है ना आपने लिफ्ट ले ली पर वो इतनी टाइट होती है नील पड़ जाते हैं आपके पांव पे, और जब उतार रहे होते हैं तब कट्स पड़ जाते हैं क्योंकि आपको खींच के पूरी उतारनी पड़ती है। अच्छा। तो उसको पहनना भी एक चैलेंज है, मतलब आधा घंटा तो आपको उस ड्रेस को पहनने में ही लग जाता है, और देन वो पावर लिफ्टिंग करना अपने अपने वेट को आप उठाते हो और वो करते हो। रियली इट्स अ वेरी चैलेंजिंग गेम ना आपके लिए। और एज अ अच्छा एक बात बताइए कि जैसे जो मेल्स होते हैं वो इस खेल में सबसे ज्यादा होते हैं, मतलब लेडीज कम, कितना परसेंटेज का रेशो का जो है वो डिफरेंस रहता है, तो आपने मतलब कैसे एक एक लड़की हो, गर्ल जो एज है आपकी, उसमें आपने इतना रेयर कॉम्बिनेशन कैसे चुना कि आप एक शॉर्ट पुट है, आपका भाला फेंक है एंड आपका पावर लिफ्टिंग है, मतलब आप एथलेटिक्स में भी हैं और इसमें भी हैं, तो कैसे ये रेयर कॉम्बिनेशन कैसे सेट हुआ? तो जैसे मैं जब शॉट पुट करती थी तो एक साल तक तो मैं ग्राउंड प्रैक्टिस ही करती थी, जैसे ही कोरोना हटा मैं जिम गई और मेरे जिम वाले सर ने कहा कि तुम्हारी स्ट्रेंथ अच्छी है, एक बार तुम पावर लिफ्टिंग टूर्नामेंट में जाओ। तो मैंने कहा ओके सर मैं चली जाती हूँ, और फिर मेरा डिस्ट्रिक्ट में गोल्ड आ गया, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में उदयपुर में इतना कंपटीशन नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आती है पर जितनी मेरी प्रैक्टिस हो चुकी है उस हिसाब से मुझे फिर ऐसा ही लगता है कि डिस्ट्रिक्ट में इतना कंपटीशन मिलता नहीं है। नहीं श्रेया ये क्या है, जस्ट बिकॉज ऑफ योर प्रैक्टिस ना, आपने इतना प्रैक्टिस कर लिया है कि आपको ये इजी लगता है, बट कोई भी कहीं भी किसी भी मेडल तक या टारगेट तक पहुँचना इट्स नॉट ईजी जितना हम एक नॉर्मल पर्सन समझते हैं। जी जैसे मैं अपने फ्रेंड्स को भी बताती हूँ तो भी बोलते हैं हमारा डिस्ट्रिक्ट में ही नहीं लगा, तो मैंने कहा प्रैक्टिस भी मैटर करता है। तो फिर मैं जैसे ही मेरा स्टेट हो फिर है ना जैसे मेरा डिस्ट्रिक्ट हो गया तो उसके एक हफ्ते बाद उदयपुर में ही लकीली स्टेट था। अच्छा। तो उससे क्या हुआ, सर ने कहा आप उदयपुर में ही स्टेट है तो आप चले जाओ, तो मैं चली गई और मेरा गोल्ड लग गया स्टेट में भी। तो उस जब समय से मेरा फिर पावर लिफ्टिंग में शुरू हो गया, फिर मुझे इंटरेस्ट बढ़ने लगा धीरे धीरे खुद ही। और श्रेया जैसे कि मैं पीछे देख रही हूँ बहुत सारे मेडल्स हैं ये, तो इन मेडल्स के बारे में बताइए कि अराउंड, सबसे पहले तो मुझे बताइए कि ये मेरे से गिने नहीं जा रहे, ये नंबर ऑफ कितने हैं? ये 45 मेडल्स है। 45 मेडल्स, वेरी नाइस। और कितने सालों में आपने ये मेडल्स को अचीव किया? मैंने 11th जब मैं 11th स्टैंडर्ड में थी उसके अक्टूबर से लेकर मैंने अभी तक रिसेंट दिसंबर जनवरी कितने सालों का पीरियड ये रहा है? तो टू ईयर्स। जस्ट इन टू ईयर्स आपने ये 45 मेडल्स आपने लिए हैं, और ये क्या किस किस गेम में है? शॉर्ट पुट और पावर लिफ्टिंग। शॉर्ट पुट एंड पावर लिफ्टिंग। और इसके साथ ही श्रेया मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ पर बहुत बड़ा एक पुलिंदा सर्टिफिकेट्स का है, तो ये जो सर्टिफिकेट्स हैं, नो डाउट जब आपके मेडल्स बोल रहे हैं तो सर्टिफिकेट्स भी उससे रिलेटेड है, तो इन सर्टिफिकेट्स और इन मेडल्स को देख के आपको कैसा लगता है? बहुत इतने अच्छा भारी लगता है। मतलब मेरे को वजन में बहुत भारी लग रहे थे ये। बहुत अच्छा लगता है, और मेरे पेरेंट्स की वजह से मुझे ये मिले हैं सर्टिफिकेट्स में। अपना जैसे मैं बोलूंगी कि मैंने गेम, मुझे शॉर्ट पुट इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता था सच बताऊं, मेरे फादर ने मुझे लिटरली ड्रैग किया और बोला खेल एक बार, क्योंकि मैं पहले बास्केटबॉल में थी और मेरे पापा ने मुझे शॉर्ट पुट में डाला, और फिर क्या हो गया कोरोना आ गया तो फिर है ना सारे टीम गेम तो वैसे ही बंद हो गए, तो फिर मैंने शॉर्ट पुट जैसे जैसे किया मुझे इंटरेस्ट आता गया, और उससे है ना फिर मेरे मेडल्स आए, क्योंकि पापा ने कहा इंडिविजुअल गेम अच्छे होते हैं एज कम्पेयर टू टीम गेम्स, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू और फादर के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं और किसी को ऑफेंड नहीं करना चाह रही हूँ, बस मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ। तो बेसिकली ये सारे मेडल्स और मेरे जो ये लगे हैं मेरे फादर और मदर के उससे लगे, क्योंकि दोनों का बहुत सपोर्ट है, और मेरे अगर पापा मुझे गेम इंट्रोड्यूस नहीं करते तो मुझे नहीं था कि मैं कभी जा भी पाऊंगी इसमें। मतलब श्रेया आपका कहना है कि आपकी जो स्ट्रेंथ थी, आपकी जो कैपेबिलिटी थी, वो आपके पेरेंट ने पहचानी, आपके फादर ने पहचानी और उन्होंने आपको इस तरफ मोटिवेट किया, प्लस फिर आप जैसे जैसे अचीव करते गए और आप उसमें अपनी और प्रैक्टिस करते गए एंड आपने पूरा उसमें अपना सक्सेस लेते चले गए। सुनने में आप बता रहे हैं कि बड़ा इजीली आपके मेडल लगते चले गए, लेकिन हमारे व्यूअर्स और हम ये जानना चाहते हैं कि ये जिसको आप इतना इजी बता रहे हैं इसके पीछे बहुत संघर्ष हुआ होगा, बहुत चैलेंजेस रहे होंगे, तो ये इजी नहीं होता है ना। तो जैसे एक फीमेल जो बॉडी होती है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को देखती है ऑलरेडी, उसके बावजूद इतने हार्ड गेम, मेरे हिसाब से ये हार्ड गेम ही है पावर लिफ्टिंग और ये सारे, तो आप ऐसी कुछ आप बताना चाहें कि आपने क्या क्या परेशानियां देखी और आपको कैसे कैसे सपोर्ट मिला, कहाँ आपको प्रॉब्लम्स आई? जैसे मुझे
बेसिक प्रॉब्लम्स, तो जैसे इंजरीज तो एक नॉर्मल चीज होती है, आप कोई भी गेम खेलो एक इंजरी तो आपको करनी होती है। अगर आप अपनी बॉडी को ज्यादा बढ़ाना चाह रहे हो, उसको स्ट्रेंथ देना चाह रहे हो, तो एक छोटी मोटी इंजरी तो आती ही है। और मतलब आप अपनी फर्स्ट इंजरी को ओवरकम कर लो तो बाकी सारी इंजरी आपको ऐसा लगता है कि सही हो ही जाएंगी किसी पॉइंट पे आके। तो इंजरीज से अगर आप कोप अप हो जाओ तो सबसे पहले तो आप वैसे एथलीट बन चुके हो। अब जैसे ये हुआ कि हम टूर्नामेंट जब जाते हैं, जैसे मैंने बताया वॉशरूम नहीं होते हैं, तो मेरे फादर तो जैसे मेरे साथ हर जगह जाते हैं, मेरे हर टूर्नामेंट में मेरे फादर मेरे साथ जाते हैं। तो कई टूर्नामेंट में वॉशरूम बिल्कुल नहीं थे, तो 15 किलोमीटर्स दूर पापा मुझे वॉशरूम लेके गए, क्योंकि गांव में था हमारा टूर्नामेंट और दूर दूर तक कोई जगह नहीं थी, और हम 15 किलोमीटर दूर कार से गए वॉशरूम करने। सर मतलब इतना दूर और कोई जगह ही नहीं थी दूर तक इतनी, तो एक तो वो। और फिर जैसे हम टूर्नामेंट जाते हैं और अगर वहाँ पे होते भी हैं वॉशरूम, तो वो लोग उनको क्लीन बिल्कुल नहीं करते प्रॉपरली। मतलब जैसे फर्स्ट डे ठीक है, फिर सेकंड डे जितना रश होता है तो इफेक्ट वॉशरूम्स पर भी आता है, क्योंकि जैसे अगर एक जगह है और वहां पे सिर्फ एक वॉशरूम है और लड़कियां हैं 700, तो आप खुद सोच लीजिए कैसा हाल होगा उस जगह। एक तो ये फैसिलिटी की बात हुई श्रेया, लेकिन इसके अलावा जैसे अभी आपने मुझे बताया बातचीत में कि आपके बैक टू बैक टूर्नामेंट्स थे, है ना, तो वो भी एक जर्नी कैसे आप कवर करते हैं? बिकॉज एक टूर्नामेंट में वैसे ही हम थक जाते हैं हमारी बॉडी, लेकिन उसके बाद वापस इतना जर्नी करना एंड देन वापस आप जाना आना उसमें भी मेडल लेना, ये थोड़ा सा आप हमें बताएं कि जैसे अभी मेरा रीसेंट अपना बताती हूँ, जैसे मैं अभी झालौर गई थी, स्टेट टूर्नामेंट थे मेरे शॉट पुट का, तो मैं शॉट पुट डिस्कस और हैमर तीनों में थी, तो तीनों मेरे अलग अलग दिन पे इवेंट थे, तो तीनों दिन मुझे ग्राउंड पे ही रहना था क्योंकि टूर्नामेंट किस भी समय हो सकता है। तो एक तो उसकी मेरे वीकनेस आ गई बॉडी में, तो जैसे मेरे 11, 12, 13 को था और हम 13 की शाम तक फिर घर आ गए, क्योंकि पापा ने कहा कि हमें 14 को निकलना था, तो मुझे 13 की शाम को जब हम घर पहुंचे मुझे फीवर हो गया, क्योंकि इतने एक्सर्शन से और धूप में रहते हैं मुझे फीवर हो गया, तो मुझे बोला कि मत जाओ कि इतना एक्सर्शन और फिर कुछ हो जाए तो। और तो जब मैंने मम्मी से कहा मम्मा नहीं जाना है मुझे, क्योंकि आपने वो एंटीट्यूड था कि नहीं मुझे तो जाना ही है, और नेशनल था मेरा, तो मतलब नेशनल आपको अगर होता है और फिर मतलब और उसको मिस कर दो, फिर ऐसा मुझे लगता लाइफ टाइम मुझे रिग्रेट होता। क्या मंथ रहा होगा ये नेशनल्स जो ये आप बता रहे हो, ये कितने टाइम पुरानी है ये वाली बैक टू बैक हुआ? अभी 13 को मेरा झालौर से वापस जनवरी ओके 13th ऑफ जनवरी को मैं आई और हम 15 की मॉर्निंग में 5 o'clock निकल गए और बस निकल गए औरंगाबाद के लिए, और मेरे फादर ने ड्राइव किया 14 hours तक, और हम बस एक जगह पे आधे घंटे के लिए रुके थे, और मतलब मेरे फादर ने कंटिन्यूस ड्राइव करी क्योंकि मेरी तो तबीयत खराब थी, मैं तो लेट ही रही, पापा ने मेन चलाई गाड़ी और फिर उसमें पापा ने स्ट्रेस लिया था। और फिर एक ये चीज सबसे अच्छी थी, गॉड भगवान सबकी ब्लेसिंग्स थी कि मेरा जैसे 15 को था, हम 16 को मेरा रेस्ट, जैसे अगर आपका टूर्नामेंट है मुझे लगता है आपको एक दिन पहले तो वहाँ होना ही चाहिए, जैसे आप जैसे हम 16 को मैंने रेस्ट ली और 17 को मेरी एकदम तबीयत सही हो गई, जैसे मैं एकदम फाइन हूँ और मुझे इवेंट पे पार्टिसिपेट करना ही है पावर लिफ्टिंग के, और उस दिन मेरा फिर गोल्ड लगा था। तो वो टूर्नामेंट वो टाइम मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि फीवर आके और उसके बाद है ना लिफ्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, उसमें आपने लेकिन गोल्ड ले लिया। गोल्ड तो वो सारी आपकी जितनी भी जर्नी थी, वो सारी थकान थी, वो सारा बुखार था, वो सब उस मेडल से सब उतर गया। इसमें से कौन सा मेडल है श्रेया, वो वाला जो जो आपने इतनी मुश्किलें देख के और अपने उससे आपने ओके नाइस नाइस। और श्रेया एक चीज और मैं देख रही हूँ कि आपके यहाँ जो पिक्चर्स रखे हुए हैं, जो आपको ये सारे सर्टिफिकेट्स मिले हैं, और इसमें आपके बाल काफी बड़े हैं, और अभी मैं देख रही हूँ कि बिल्कुल आपने बाल बहुत हेयर कटिंग छोटा करवा लिया है, इसका क्या? जैसे मैं जब शॉर्ट पुट करती थी तो मैंने क्या, मेरे जैसे बाल बहुत सिल्की थे, और मैं है ना मैंने अपने मिड लेवल और उससे थोड़े से लंबे हमेशा अपने बाल रखे, उससे लंबे मैं नहीं कर पाती हूँ अपने बाल। श्रेया मैं देख रही हूँ यहाँ पर काफी सारे फोटोग्राफ्स आपके रखे हुए हैं, बहुत सारे प्रशस्ति पत्र हैं और सर्टिफिकेट्स हैं, उनमें आपकी फोटो किसी किसी में ऐसे आ रही है जिसमें बहुत ही खूबसूरत और बड़े बाल आपके दिखाई दे रहे हैं, और अभी जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आपके बाल बहुत छोटे हैं, तो आपने ये बालों का चेंजेस क्यों किया?
जी आप सही कह रहे हैं, मुझे अपने बाल अच्छे लगते थे बहुत पहले, पर जैसे कि मैं प्रैक्टिस करती थी तो वो मुंह पे आके थोड़े मुझे परेशानी देते थे, तो इसलिए मैंने कहा मेरे बाल तो बढ़ जाएंगे बाद में, तो अभी मैं सिर्फ मेडल पे फोकस करती हूँ, और फिर इसलिए मैंने अपने बाल कटवा लिए क्योंकि वो मुझसे नहीं हो पा रहे थे कि मैं प्रैक्टिस में नहीं हो पा रहे थे। श्रेया, जैसे बात चली प्रैक्टिस की और आप अभी पूरा नेशनल्स में मेडल लेके आए हैं, तो कितने घंटे की प्रैक्टिस आपकी दिन भर में रहती है? जी मेरे 6 to 7 hours की प्रैक्टिस रहती है दिन भर की, और उसमें फिर मुझे जैसे डाइट भी उसके हिसाब से ही लेनी पड़ती है फिर 6 to 7 hours के, तो फिर मैं अपनी पानी अच्छे से लेके जाती हूँ, और फिर मैं कहीं भी जाती हूँ तो अपने साथ छोटी मोटी चीजें खाने की भी कैरी करती हूँ अपने रूटीन में ही। मतलब आप जैसे पावर लिफ्टिंग में है, तो पावर लिफ्टिंग में क्या होता है, आपको एक पावर भी चाहिए होती है, मतलब एक स्ट्रेंथ भी चाहिए होती है, प्लस आपको अपना वेट भी मैनेज करना होता है, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं है कि खाना भी है और वजन भी नहीं बढ़ना चाहिए? जी ऐसा होता है, मुझे अपना वेट मेंटेन करके चलना पड़ता है, तो जैसे मैं जब शॉर्ट पुट करती हूँ तब तो मैं अपना फुल डाइट लेती हूँ, पर जैसे पावर लिफ्टिंग हो जाता है तो कभी कभी तो मेरा वेट कैटेगरी से थोड़ा बाहर आने लगता है, तो ब्रेकफास्ट के अलावा फिर दिन भर सिर्फ मुझे फ्रूट डाइट पे रहना पड़ता है। मतलब डाइट पे बहुत कंट्रोल चाहिए, बहुत कंट्रोल चाहिए होता है, और वाटर इंटेक पे भी कंट्रोल चाहिए होता है, उससे भी वेट इंक्रीज हो जाता है, डिफिकल्ट है। मतलब जी है ना, मेन कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वेट मेंटेन करने में ज्यादा मेहनत लग रही है एज कम्पेयर टू कॉम्पिटिशन में अपने पार्टिसिपेट करने से। यस बिल्कुल सही। तो जैसे आपको बाहर जाना पड़ता है, तो हर जगह इतना डाइट का आपको ध्यान रखना पड़ता है, तो कैसे मैनेज हो पाता है सारी चीजें? जैसे मैं अपने फादर के साथ जाती हूँ तो हम हमेशा अपनी चीजें लगभग कैरी करके चलते हैं, जैसे हम ड्राई फ्रूट्स और छोटी मोटी चीजें हमेशा अपने साथ कैरी करके चलते हैं, जैसे अगर उस जगह पे मिले भी ना तो भी हमारी डाइट इतनी हो कि हम सफिशिएंटली खा सके। बिकॉज आपके जो आपका जो एरिया है, जो आपका स्पोर्ट है, उसमें आपको ये सब चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो इसमें आपको मतलब जर्नी करनी है, आपको मेडल पे कंसंट्रेट करना है, प्लस अपने वेट पे कंसंट्रेट करना है, प्लस अपनी डाइट पे कंसंट्रेट, तो ये काफी आपके लिए डिफिकल्ट रहता है। अच्छा, और श्रेया जैसे कि आपने बताया कि अभी आप 12th स्टैंडर्ड में है और 12th में बोर्ड्स है अभी आपके, तो इतने घंटे की प्रैक्टिस प्लस अपना हेल्थ, अपना डाइट, उसके साथ साथ आप अपनी स्टडीज को कैसे मैनेज करती हैं? जी पहले तो मैं थोड़ी कम स्टडीज करती थी, पर जैसे कि अभी बोर्ड आ रहे हैं तो अभी मैं अब सिर्फ 1 घंटे का वर्कआउट करती हूँ क्योंकि मुझे अपनी स्टडीज पे भी फोकस करना है, तो मैं अब जैसे बॉडी एक मैं छोड़ तो सकती नहीं हूँ, तो मैं 1 घंटे का वर्कआउट करती हूँ और सुबह शाम अब पढ़ती हूँ, और मेरे टीचर्स मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं, प्रिंसिपल मेरी मदर भी टीचर है, तो वो भी मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं, तो अभी उन लोगों का मेरे लिए बहुत अच्छा रोल है, और वो एक्स्ट्रा टाइम अपना देके, मतलब स्कूल के बाद भी अपना टाइम देके मुझे स्टडीज में मतलब हेल्प बहुत करती हैं सारे टीचर्स। गुड, मतलब आप बता रहे हैं कि मतलब बोर्ड्स है, 12th है, क्रूशल टाइम है स्टडीज के लिए, उस दौरान भी एज अ स्पोर्ट्स पर्सन आपको अपनी प्रैक्टिस तो करनी ही है, तो प्रैक्टिस से थकान भी होती है क्योंकि आपका गेम इस तरह का है, तो थकान के साथ साथ स्टडीज आप मैनेज कर लेती हैं? जी मैं कर लेती हूँ आराम से मैनेज, क्योंकि अब तो मैं इतनी इंटेंस नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे पढ़ना भी है अभी, तो इसलिए मैं अभी 1 to 2 hours ही प्रैक्टिस करती हूँ, और पहले मैं 6 hours करती थी और अब मैं 2 hours कर रही हूँ, तो उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि 2 hour वर्कआउट मेरे लिए एक नॉर्मल वार्म अप जैसा हो जाता है सिर्फ मेरे लिए। वेरी गुड श्रेया, आपका इस स्पोर्ट्स की तरफ जो लगा हुआ, उसमें कोई आइडियल पर्सन जो जिसको देख के आपको ऐसा लगता है कि मुझे भी यहाँ तक पहुँचना है और ये अचीव करना है? जैसे नीरज चोपड़ा, मैंने मतलब नीरज चोपड़ा को जब से देखा है, मैंने शॉर्ट पुट उस थोड़ा समय पहले ही शुरू किया था 6 months अर्ली जब उसको मेडल मिला था, और जब से वो टूर्नामेंट अपना गया है ओलंपिक, तो मुझे लगा मैं भी जाऊंगी क्योंकि शॉर्ट पुट से आज तक ओलंपिक कोई नहीं गया। अच्छा, हाँ, तो इंडिया से नेक्स्ट श्रेया इन प्रैक्टिस की वो ओलंपिक जाएगी इस गेम को लेके, और एज अ फीमेल अपना नाम और देश का नाम रोशन करेगी, और ऐसा एज अ फीमेल आपके तरफ से ऐसा कोई मैसेज जो आप हमारे देश की लड़कियों को देना चाहें कि भाई कैसे हम सारी परेशानियों को झेलते हुए आगे बढ़ सकते, कोई मैसेज जरूर दीजिए आप हमारे व्यूअर्स को।
आप मतलब प्रैक्टिस कंटिन्यू रखें अपनी, और है ना बीच में जैसे अगर इंजरी आए भी तो आप रेस्ट लीजिए पर उसके बाद वापस से शुरू करिए। कुछ बच्चे होते हैं कि वो छोड़ देते हैं इंजरी के बाद, तो कभी भी गिव अप नहीं करना है अपने उसको इंजरी को लेके या स्टडीज़ को लेके। और अगर आपके पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं और आपका स्कूल सपोर्ट कर रहा है तो आप पूरा उसमें लग जाइए, क्योंकि अगर कुछ होगा तो आपके पेरेंट्स देखेंगे और टीचर्स आपके बैक सब आपके पीछे हैं, तो आपको डरने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं होती है, सब आपको सपोर्ट करेंगे पीछे। गुड गुड। तो देखा आपने कि श्रेया का यही कहना है कि कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती अगर आप अपनी प्रैक्टिस करते हैं। जैसा कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यहाँ पर प्रैक्टिस ने श्रेया को परफेक्ट बनाने की कोशिश करी है। और उनका सभी को ये मैसेज है कि जो बच्चा आगे बढ़ रहा है तो पेरेंट भी उनको सपोर्ट करते हैं और स्टाफ टीचर्स भी सपोर्ट करता है। तो पल पल राजस्थान उदयपुर और देश की जो भी स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं उनसे यही कहता है कि अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। नमस्कार।